नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अड्डा जॉब्स में, जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। आज मैं आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो अप्रेंटिस पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलरी, इम्पॉर्टेंट डेट और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगा। आगे हम वैकेंसी की बात करें तो अप्रेंटिस का टोटल 600 पोस्ट है, जिसमें 364 पोस्ट टेक्निकल अप्रेंटिस का और 136 पोस्ट नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस का है। वैकेंसी की डिटेल्ड मैट्रिक्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्निकल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आपने डिप्लोमा किया हो रिलेवेंट डिसिप्लिन से, ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आपने आईटीआई किया हो रिलेवेंट डिसिप्लिन से, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन से, डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर पोस्ट के लिए आप 12th पास हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर पोस्ट के लिए आप 12th पास हो और आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से। ट्रेड अप्रेंटिस सेल्स फ्रेशर पोस्ट के लिए आप 12th पास हो, ट्रेड अप्रेंटिस सेल्स स्किल सर्टिफिकेट होल्डर पोस्ट के लिए आप 12th पास हो और आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से। आगे हम एज लिमिट की बात करें तो यह 29 फरवरी 2020 को बेस मानकर काउंट होगी और आपकी उम्र यहाँ पर 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर उपयुक्त एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसकी डिटेल्स जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम फीस और स्टाइपेंड की बात करें तो इसके बारे में कोई भी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है। आगे हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप होगा आपका 22 मई 2020 से 21 जून 2020 के बीच। एग्जाम और रिजल्ट पब्लिश करने का डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट को उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट की ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल अड्डा जॉब्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।